तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसीवर अंडरस्कोर सॉस। तो क्या हालचाल है आप सभी के? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। फिलहाल हम आए हुए हैं अभी क्या बोलते हैं पंतनगर मेले में, जो कि किसानों के लिए और बागवानी वालों के लिए लगाया जाता है। और इसमें काफ़ी सारे जो है टूल्स और बीज पौधे हर तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि किसानी से रिलेटेड है या फिर बागवानी से रिलेटेड है। और ये जो मेला लगता है वो अक्टूबर से शुरू हो जाता है, 13 अक्टूबर से 14, 15, 16 तक चलता है। फिलहाल अभी डिले हो गया है, तो इसलिए जो है 3 दिन देरी से ये लगाया गया है। फिलहाल हम आपको आज व्यू कराएंगे। फिलहाल अभी आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, एक ऐप के बारे में जानकारी एक भाई ने दी थी हमारे स्टॉल पर। फिलहाल आइए चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको सारा व्यू, और देखते हैं कोई ना कोई अगर मिल जाते हैं भाई तो उनसे थोड़ी जानकारी भी लेंगे, अपनी जो गार्डनिंग से रिलेटेड बातें हैं वो जानेंगे और प्लांट के बारे में भी आपको व्यू कराएंगे कि यहाँ पर क्या एक अच्छा प्लांट मिल पाएगा या फिर अच्छे टूल्स मिल पाएंगे, वो सारी देखेंगे। आज घूमेंगे, मज़ा लेंगे, इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करिए हमारे साथ, चलते हैं। तो दोस्तों, ये है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजीज करके, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर शायद मशीनरी के बारे में बताया जा रहा है, पर हम यहाँ रुकेंगे नहीं। और यहाँ पर ये स्प्रे का जो है मशीन का जुगाड़ वगाड़ भी देखो इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर, और काफ़ी सारे यहाँ पर ये सारा किसानों से ही रिलेटेड है। हालांकि और मैं अभी चलता हूँ आगे, दिखाऊंगा आपको आगे चल के बागवानी का जो अपना है वो वाला सीन हम देखेंगे, व्यू करेंगे। और इसमें तो हमारा काफ़ी भारतीय किसान मेला यहाँ पर देख सकते हैं, गृह विज्ञान महाविद्यालय है, ये कोई कॉलेज का स्टॉल लगा हुआ है। फिलहाल इसमें भी हमारे मतलब की कोचिंग नहीं है, सारा कुछ किसानों से ही रिलेटेड है। और बाकी हम देखेंगे विज्ञान एवं मानवाधिकार विद्यालय है ये, इसका पता नहीं इसका किस तरीके से कुछ है। और यहाँ पर भी स्वागतम करके इन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वगैरह बिठाल रखे हैं यहाँ पर। और ये भी अपना नहीं है, ये कृषि महाविद्यालय है। कृषि महाविद्यालय में थोड़ा सा ज़रा देखेंगे घूम कर क्या सीन रहता है। यहाँ पर स्प्रे गंधक करके है कुछ इस तरीके से, ये देखें इसका जो प्लांट है, और काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ये अजवाइन का प्लांट है, प्लांट्स वगैरह सारे, और यहाँ पर सीनरी लगी हुई है देख सकते हैं किस तरीके की। फिलहाल ये सारी इन्होंने जो है गार्डनिंग जो है सजाने वजाने के लिए इनका कुछ कॉलेज का जो प्रोजेक्ट वगैरह है ये उसका सीन है सारा। और चलिए अभी फ़िलहाल अपने मतलब का यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है, और मेला काफ़ी बड़ा है और देखेंगे घूम करके। बड़ी प्यारी चीज़ दिखी है, देखें मेले के अंदर इस तरीके की गाय भैंस वगैरह भी मिल जाए। मुर्रा भैंस, साहिवाल भैंस काफ़ी अच्छी है, और आपका स्वागत करें हार्दिक सर। ये वाला देख सकते हैं, ये वाला पता नहीं किस किस चीज़ के प्लांट हैं। कीवी फल ये मिलेगा आपको, कीवी फल का मिलेगा। और भैया थोड़ी सी जानकारी दे देना, बता देना इनके बारे में, से जानूंगा मैं ये किस तरीके के आप प्लांट में मतलब डील करते हैं, क्या क्या है ये आपका? एग्रीकल्चर विभाग का स्टॉल है, इसमें बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ में हम टिश्यू कल्चर से कीवी के और अखरोट के पौधे भी बना रखे हैं। अच्छा, तो ये जनवरी माह में हम इसके आपको अगर लगाना होगा तो ये मिल भी सकता है। अच्छा हाँ, और बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है अगर चाहे, हमारे वहाँ 3 लेबोरेटरी हैं, टिश्यू कल्चर की है, इन्वायरमेंटल की और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, अगर वो चाहे तो 6 महीने की 3 महीने की 1 महीने की ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग भी वहाँ बच्चा ले सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हो तो बता दीजिएगा। कॉन्टैक्ट है और मैं लीफलेट दे रहा हूँ उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप बैलेट पेपर दिखा दीजिए कहाँ इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता दिया। हमारा लीफलेट है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर 0594423056 है, इस पर फ़ोन करके आपको कोई भी जानकारी। चलिए ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये यहाँ पर देखें ये लेबोरेटरीज है, ये सिखाते हैं सारा, और ये छोटे छोटे मॉडल्स रखे हुए हैं किसानों के लिए। फिलहाल हमारे मतलब का अभी कोई ज़्यादा मिल नहीं पाया है, क्या करूं किधर जाऊं, मेला बहुत बड़ा है। चलते हैं सैयद साहब, ये हमारे सैयद साहब और ये इनके फेरे भाई हैं, क्या भाई अपना तौहीद अख्तर, तौहीद भाई हैं ये हमारे, और ये सैयद साहब रिजवान भाई हैं, यही हमारे साथ आज हम पहली बार आए इस मेले के अंदर, और क्योंकि पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा जो है अभी इतनी जानकारी नहीं है कहाँ पर क्या चीज़ बिकती है या फिर क्या किस चीज़ का स्टॉल लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह ताला सब पता चल जाएगा, और हमारे रिजवान भाई भी थोड़े नर्वस से हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर स्टॉल हैं वो दिखा।
कॉलेज वगैरह भी ले सकते हैं आप। इस तरीके की कालीन्स भी मिल जाएंगी, फर्नीचर भी आपको मिल जाएगा। अब कतई बढ़िया जगह है अपना, सुकून शांति में एकदम से ना आप हैं। ठंडक आ गई इधर थोड़ी सी, टोपिया यहाँ मिलेंगे आपको इस तरीके के खाने के स्टॉल भी लगे हुए हैं, सारे सुविधा सारी है। आप अगर भूखे आ रहे हैं तो यहाँ पर खाना खा लीजिएगा, हर तरीके का खाना मिलेगा और हर तरीके की थाली। ये सारे स्टॉल जो है खाने के लगे हुए हैं, पीछे साइड में लगे हुए हैं मेले के, और इस साइड में दुकानें हैं इस तरीके की, चप्पल सप्पल सारी चीज़ें बिकती है। मतलब जो है नाम है कि किसानों का मेला है, किसानों के मेले के साथ साथ आपको ये घर के डेकोरेशन वाली सारी चीज़ें और भी इस तरीके के लेडीज़ मटेरियल वगैरह ये सारा मिल जाता है। ये देखेंगे फास्ट फूड के भी ठेले लगे हुए हैं यहाँ पर इस मेले के अंदर, काफ़ी सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और हमारे सैयद साहब जो है भूखे हैं अभी बेचारे, भूख लग रही है मेरे ख्याल पर। सैयद साहब भूख लग रही है, नहीं लग रही है तुम्हारी? हाय, भूख लग रही है, नहीं लग रही है? भूख लग रही है। तो फाइनली बहुत देर बाद हम पहुँचे यहाँ पर, अभी ढूंढते ढांढते, क्योंकि मेला काफ़ी बड़ा है। और ये किसान हाईटेक फार्मर्स है जो कि, और ये स्ट्रॉबेरी के पौधे भी यहाँ मिल जाएंगे। स्ट्रॉबेरी का प्लांट कितने का भाई साहब? 30 रुपये में ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट मिल जाएगा। इसके साथ रेड लेडी है ये कितने का मिलेगा? 30 रुपये। ये भी 30 रुपीज़ का मिल जाएगा। इनका जो नंबर है वो दे दूंगा यहाँ पर, अगर आप यहीं के आसपास के कहीं हैं। शामली जिले, सहारनपुर रोड के हैं ये, शामली जिले के, शामली के हैं ये। अगर आप वहाँ के हैं जो हमारे व्यूवर्स जो है साइड के, तो वो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे, संपर्क साथ करके वहाँ शामली में जो है ख़रीद सकते हैं। और दिखाता हूँ मैं इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। ये भाई साहब कितने का है? लोटस ये कितने? 100 रुपये का? 100 रुपये का मिल जाएगा। और भी प्लांट यहाँ पर हैं, देखें मैं दिखाऊँ, जैसे कि 200 रुपये में आपको मिल जाएगा ये कटहल का पौधा। ग्राफ्टेड है क्या पौधा ये? ग्राफ्टेड है। बाकी यहाँ नींबू के, संतरे के, और भी ये बड़ा दूर से उन्होंने ला करके स्टॉल लगाया है। अमरूद L49 80 रुपये का ये मिल जाएगा। मेले के अंदर कुछ चीज़ें तो सस्ती है, मगर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ये मोहंगनी है, ये जो मिल जाएगी 80 रुपये की मिल जाएगी। इन्होंने लीची का पेड़ देखूँ कितने का लगा रखा है, 350 रुपये में। ये देखें 350 रुपये में आप हमारे यहाँ, बाकी जो है नर्सरी की विजिट हमारी देखते रहते हैं आप। ये सारा वही अमरूद है जो अभी इन्होंने बताया भैया ने। और चलता हूँ मैं, दिखाता हूँ और भी कुछ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। काफ़ी बड़ा मेला है। और ये है हमारे, देखें यहाँ पर नर्सरी है, शबनम नर्सरी करके है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं ये। और ये वाली जो नर्सरी है वर्तिका होम गार्डन, और इनके पास भी काफ़ी सारे प्लांट्स वगैरह अवेलेबल हैं। और यहाँ पर इस नर्सरी में देखूँगा मैं क्या क्या मिलते हैं अपना। ये भैया से जानूँगा मैं भी किस किस रेट के हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या क्या रेट का भैया, बता देना जरा। जैसे ये हमारा 1 kg का पैकेट है जी, ये 25 रुपीज़ का है, 25 रुपये का जी। ये 1.5 किलो का पैकेट है, 30 रुपये का है, 30 रुपये का। ये 100 रुपये का पैकेट है, 5 किलो का, 5 किलो का जी। ठीक ठीक, उधर व्हाइट में रखा हुआ है। ठीक ठीक, 8 किलो का पैकेट। अपना नंबर बता दीजिएगा इस पे, 8859867739। ठीक है, मैं हूँ अजय भट्ट, प्रभु ऑर्गेनिक्स हल्द्वानी गोलापार से। ये हल्द्वानी के हैं भाई साहब, और ये बाकी जो नर्सरी है। ठीक है भैया, धन्यवाद। और बाकी जो है यहाँ पर अमरूद देख सकते हैं, पता नहीं किस टाइप का ये अमरूद है, बहरहाल अमरूद लगा हुआ है। और ये नर्सरी जो थी शबनम नर्सरी करके है। और यहाँ पर जो है दिखा दूँ मैं आपको, अनार जो है 100 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। अनार का पौधा पर बहुत छोटा है, देख सकते हैं आप। कुछ चीज़ें तो अच्छी मिलेंगी देखने के लिए, कुछ चीज़ें वही पुरानी मिलेंगी आपको देखने के लिए। और ये देखें ये किसका है, सिट्रस है। और ये सिट्रस में मौसमी भी हो सकती है, संतरा भी हो सकता है। फिलहाल पीला ड्रैगन का पौधा 400 रुपये का, बहुत छोटा है।
और मैं दिखाता हूँ, ये है न्यूसीडिया बेर, ये है 150 रुपये का। और ये वाला जो कश्मीरी एप्पल बेर जो होता है उसकी जो कीमत है वो भी 100 रुपीज़ की है। और ये देखें, ये गुआवा जो है 100 रुपीज़ का है। और रेड ड्रैगन है, क्या है, डायमंड अमरूद, रेड अमरूद है, इसको अंदर से निकलने वाला है। इसका जो है कीमत जो है 400 रुपये है इसकी, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। और इस वाले की L49 की 100 रुपीज़, रेट थोड़े से हाई हैं। और यहाँ पर दिखा दूँ, ये VNR का है, VNR की जो है प्लांट की हाइट देख सकते हैं, और इसके 200 रुपीज़ है। ये थाई वाला जो है अमरूद है, यहाँ पर 200 रुपये का ये मिल जाएगा, इसकी भी प्लांट देख सकते हैं। और ये किन्नू आपको जो है 200 रुपये मिल जाएगा, ये रखा हुआ है किन्नू। बाकी और देखता हूँ मैं क्या क्या यहाँ पर है अवेलेबल, ये किस तरीके का है। वाटर एप्पल है, वाटर एप्पल बोलते हैं तो 150 रुपये का है, ये 200 रुपये का आपको मिल जाएगा। बाकी इनकी जो नंबर वगैरह है और ईमेल एड्रेस जो है वो मैं आपको अभी दे दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको और दिखाता हूँ, इनके पास काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट हैं। ये जो है मौसमी है, थाई वाली, इसकी जो रेट है 200 रुपये की है। कटहल है, और ये भी कटहल है, कटहल भी कई तरीके के हैं। यहाँ पर बारहमासी मीठा वाला 300 रुपये का आपको ये मिल जाएगा आम। और ये कौन सा है, ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं उसको, बारहमासी लिख दिया, मतलब है तो वही एक ही चीज़ सेम, बारहमासी और ऑल टाइम, ये आपको मिलेगा 300 रुपये में। और यहाँ पर ये शायद सेब के पौधे भी हैं इनके पास, सेब जो है सेब हरमन 99 वाला, ये मिलेगा आपको 500 रुपीज़ का। इसकी जो तीन पौधे ही बाकी रह गए हैं है शबनम नर्सरी, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मंगाना है तब, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो बाकी आपको जानकारी फोन पर मिल पाएगी। और बाकी चलता हूँ मैं नेक्स्ट नर्सरी में, बहुत ज़्यादा नर्सरी हैं, अगर मैं बनभाई बन अगर किसी से पूछ करके विज़िट करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये रुद्रपुर की नर्सरी है और जो कि हमारे पास ही की है, और इसमें देखें काफ़ी ढेर सारे जो है प्लांट्स हैं। यहाँ पर एंट्रेंस में भी रखे हुए हैं, केला भी मिल जाएगा और काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। देखें ये देख सकते हैं, ये पल्लवी का नर्सरी है, ये कागजी नींबू है, ये देखेंगे कागजी नींबू है, और काफ़ी सारे पौधे आपको मिलेंगे यहाँ पर। और बाकी इनका जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ गुलाब भी मिल जाएगा आपको, हेल्दी गुलाब है। ये कितने का भैया गुलाब? 70 रुपये का। हाँ वो अच्छा, वो छोटे इसमें है डिब्बे में, ये 70 रुपये में मिल जाएगा आपको। मैं दिखा देता हूँ गुलाब की, हमारे भाई लोगों को बहुत डिमांड रहती है, ये 70 रुपये में आपको मिल जाएगा बड़े डिब्बे छोटे डिब्बे के अंदर, और कलर भी हैं यहाँ पर। ये रुद्रपुर की नर्सरी है और ये 150 रुपये, जो रेट सब में रहता है वो रेट इनका भी है, 150 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पर गुलाब का पौधा। और ये शमी के पौधे भी हैं, काफ़ी ढेर सारे पौधे यहाँ पर हैं, मैं इनका भी अभी देखता हूँ, विजिटिंग कार्ड आपको दे दूँगा अगर रुद्रपुर के आपके पास के हैं तो। रुद्रपुर में जो है इनकी नर्सरी है, पल्लवी का नर्सरी करके, तो ब्लीडिंग हार्ट की बेल भी मुझे देखी यहाँ पर। पत्ते का पेड़ है क्या ये? ब्लीडिंग हार्ट है, ये ब्लीडिंग हार्ट जो है मिल जाएगी आपको। और इसकी क्या कीमत रहने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका नंबर, इनके नंबर से आप जो है कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। रुद्रपुर के हैं, ये पल्लवी का नर्सरी है, यहाँ पर फ्रूट प्लांट काफ़ी ढेर सारे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आड़ू भी है और चीकू भी है, नाशपाती भी है, सेब भी है, और आम के पौधे काफ़ी सारी नस्ल के हैं। ये भैया ने ले रखा है एक नींबू, कौन सा नींबू बताना है ये? कागजी नींबू, कागजी नींबू बताना है। ये वाला कौन सा है? ये 250 रुपये का है। अच्छा ये 250 रुपये का पौधा है, तो नींबू काफ़ी ढेर सारे लगे हुए हैं, देखें इस तरीके से। तो ये आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। और बाकी जो है अभी इनका जो विजिटिंग कार्ड है, नंबर वगैरह, यही काम करते हो भाई? तो दोस्तों ये है इनका पल्लवी का नर्सरी का विजिटिंग कार्ड, और यहाँ से आप कॉल करके इनसे संपर्क साध सकते हैं। और चलता हूँ आगे, मैं आपको और दिखाता हूँ, मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए वीडियो को, और मैं आपको दिखाता हूँ धुआधार जो भी मिलने वाली है नर्सरी, नर्सरी भी दिखाऊंगा और कोई टूल्स वगैरह भी मिलेंगे गार्डनिंग वाले, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों मैं अभी इससे
रुद्रपाई नर्सरी से पल्ली विकास से निकल करके आया हूँ और ये आइडिया नर्सरी पे चलते हैं। आइडिया नर्सरी का भी स्टॉल है यहाँ पर, देखें काफ़ी बड़े प्लांट लगे हुए हैं पौधे और इनके पास भी काफ़ी ढेर सारे पौधे मिलने वाले हैं। और इसी के सामने ही जैसे कि अभी शबनम नर्सरी दिखाई थी उसी के माँ सरस्वती नर्सरी करके है ये, और इनके पास काफ़ी मतलब इंडोर कलेक्शन है भी, उनके पास चलेंगे और भैया जानकारी लेंगे। यहाँ पर जो है भाई के पास सीड्स भी मिलते हैं और नींबू का काफ़ी सारा स्टॉल है और सीड देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीड देख सकते हैं। भैया अपना कार्ड है कोई विजिटिंग कार्ड ला देना जरा, और ये देखें ये है इनका आइडिया नर्सरी और इनका जो विजिटिंग कार्ड है यहाँ पर आप कॉल करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये किछा रोड पर ही हैं, किछा के हैं ये, और यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको सेंसिवेरिया के प्लांट और टेबल कामनी के प्लांट भी मिल जाएंगे, काफ़ी सारी इनके पास भी रेंज है और फ्रूट प्लांट भी हैं। और भैया से जो रेड वेड वगैरह वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। अच्छा ये अपनी जो है नर्सरी भैया किस जगह पर है? ये है मेरी नर्सरी लालपुर शिमला आइडिया कॉलोनी। ठीक है, तो अपने पास हर तरीके के प्लांट मिल जाते हैं? हाँ हर तरीके के मिल जाते हैं सर। चलिए ठीक है, अगर आप जो है कांटेक्ट करना चाहते हो तो आईडी नर्सरी पे कॉल कर दीजिएगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है। बाकी मैं आपको छोटा सा व्यू आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर किस टाइप के बनते हैं। और ये गुलाब काले जो है पौधे इनके पास ही मिल जाएंगे, एग्लोनवा भी मिल जाएगी, देखें यहाँ पर लिपस्टिक वाली भी मिल जाएगी और वाइट वाली भी मिल जाएगी, एरोकेरिया और लैला मजनू। चलिए ठीक है, मैं भी जैसे कि मैंने कहा आपको मैं भी लेकर के चलता हूँ। सामने वाली नर्सरी को बाद में चलेंगे, फिलहाल अभी इस वाली नर्सरी को भी देख लेते हैं। ये वाली है हमारी रवि नर्सरी जो कि हल्द्वानी रोड की है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, देखते हैं फिलहाल यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा कलेक्शन इनके पास भी है माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और कुछ ऐसी नई चीज़ देखना चाहता हूँ जो कि मैंने नहीं देखी हो, वो चीज़ मिले मुझे, पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी गुलाब मिल जाएंगे, जो गुलाब की कीमत है वो आप कॉल करके ले लीजिएगा इनसे, और नंबर मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनका विजिटिंग कार्ड, कि इनका विजिटिंग कार्ड में जो नंबर है। ये गुलाब काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मुझे, इसके अंदर जो है खिली हुई है, पता नहीं किस टाइप का खुशबू है, क्या खुशबू भी है इसके अंदर। और ये आपको मिल जाएगी पनसुटिया भी मिल जाएगी, यहाँ पे रबर प्लांट भी मिल जाएगा और डायफ्रेंड बिछिया भी मिल जाएगी, एग्लोनवा भी मिलेगी आपको, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग हार्ट, मॉस्टर में खड़ी हुई है। और देख सकते हैं ये है हमारी भाई रवि भाई की नर्सरी और जो कि हल्द्वानी के हैं, और मैं इनका भी विजिटिंग कार्ड लेकर के देता हूँ नंबर, और ताकि आप कॉन्टैक्ट कर सकें। गुलाब दिखा देता हूँ मैं, गुलाब काफ़ी सारे हैं। और हमारे गालिब भाई अभी आए थे मेरे ख्याल से शायद कुछ दिनों पहले भी, मगर गालिब भाई हमारे होकर के चले गए, वादा किया था साथ में रहने का, मगर भाई हमारे साथ नहीं आ पाए। ये रवि भाई के पास जो है पनसुटिया के भी प्लांट मिल जाएंगे, पनसुटिया में कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। ये वाला प्लांट कितने का है? ये वाला 300 रुपये का है सर, 300 रुपये का एग्लोनवा रेड वाली है, ये बढ़िया चीज़ होती है। ये वाली एग्लोनवा कितने की है? 300 रुपये की आ जाएगी। ऐसा है भैया के पास, तो ये रहा रवि भाई का नंबर, नंबर पे आप कॉल करके जो है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और इनकी जो नर्सरी है वो नर्सरी जो है बाईपास रोड किछा, किछा उधम सिंह नगर में है, और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएंगे ये इस तरीके के स्टोन भी। अब मैं चलता हूँ इस वाली नर्सरी पे जो के हैं साबरमती नर्सरी, इनके पास जो कलेक्शन है वो देख सकते हैं यहाँ पर, जो लगी हुई है क्रोटन लगी है, क्रोटन के साथ जो है ये सारा एरिका पाम लगा हुआ है, एरिका पाम के साथ साथ काफ़ी सारे प्लांट्स इनके पास अवेलेबल हैं और इंडोर काफ़ी सारी रेंज है। जो विजिटिंग कार्ड है ये जो है माँ साबरमती नर्सरी जो है इनका जो है हरीश अरोड़ा साहब हैं इसके ऑनर, और यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप ले सकते हैं यहाँ पर जानकारी, और चाहें तो लालपुर के अगर आप पास के हैं तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं नर्सरी, और इस तरीके काफ़ी सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। एग्लोनवा की रेंज काफ़ी अच्छी है, और दिखा देता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे ब्लीडिंग हार्ट रखी हुई है और अमरूद के पौधे भी हैं, अमरूद के साथ हैबिस्कस भी है, हैबिस्कस के साथ काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि मुझे ज़्यादातर नाम नहीं पता है, मतलब पता भी हैं तो ध्यान से उतर जाते हैं। फिलहाल मैं आपको व्यू कराता हूँ एक छोटा छोटा, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ किस तरीके के पौधे किस नर्सरी के हैं। ये सारी की सारी नर्सरी वाले ही उठ के आ गए हैं यहाँ पर, और ये देखें ये वाली डायफ्रेंड बिछिया है शायद, और ये कौन सी वाली है, काफ़ी ऊंची है, अच्छे हैं प्लांट वगैरह इनके, और कुछ प्लांट अच्छे हैं, कुछ प्लांट जो है देख सकते हैं आप, बाकी जो आम तौर पर मिल जाते हैं वो हैं। मैं कुछ ही अच्छे प्लांट की तलाश में हूँ,
जो कि मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर जो है एग्लोनेमा मैं दिखा देता हूँ किस किस टाइप की है। पिंक वाली है, रेड वाली भी मिल जाएगी आपको, और वाइट वाली भी मिल जाएगी, और वाइट मिल जाएगी, काफ़ी सारी एग्लोनेमा की रेंज है इनके पास। ये वाली देख लीजिएगा और ये वाली बिल्कुल अलग हटके है। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ आगे और आगे चल के दिखाता हूँ कुछ और। ये जो नर्सरी है कैलाश वाटिका नर्सरी है, कैलाश वाटिका नर्सरी में भी आप देख लेते हैं, घूम करके विजिट कर लेंगे थोड़ी सी। और कैलाश वाटिका में काफ़ी सारे सेक्युलेंट्स प्लांट्स हैं, सेक्युलेंट्स ज़्यादा हैं, ये देख लीजिएगा यहाँ पर। ये जो कैलाश नर्सरी है ये मेरे ख्याल से जो है इन्होंने अपना एड्रेस नहीं लिख रखा है। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू करा देता हूँ थोड़ा सा। सेक्युलेंट्स वगैरह हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे सेक्युलेंट्स हैं यहाँ पर, और देख लीजिएगा। और इनकी जो कीमत है, प्राइस है, वो आपको जो है नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बाकी ये तो आपको मिल ही जाते हैं गेंदा जाफरी वगैरह के, आपको सेक्युलेंट्स में काफ़ी सारी रेंज है इनके पास। पीस लिली भी मिल जाएगी, और देखें सेक्युलेंट 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 ही सेक्युलेंट्स मिलेगा। इस तरीके का सेक्युलेंट्स आप चाहते हैं ये भी मिल जाएगा। इनका भी नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, विजिटिंग कार्ड दे दूँगा अभी आपको। और पिटोनिया यहाँ पर आ गई है, पिटोनिया देखें, पिटोनिया सिंगल है मगर कलर डबल में है, ये देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस मेले में, पर जो है बस यही है कि मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से। और बस यही है कि आप इन्जॉय कर लेंगे तो मेरा भी इन्जॉय हो जाएगा, अच्छी बात है। ये मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल है बाकी। अरे नर्सरी कहाँ पर है मैम? कार्ड दिखा दो। भीमताल में भी है? अच्छा भीमताल में भी है, हल्द्वानी में भी है, हल्द्वानी में भी है। ये देखिएगा, ये जो है कैलाश वाटिका नर्सरी है, और यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बाकी सेक्युलेंट्स की काफ़ी सारी रेंज है, ये भीमताल में भी है इनकी नर्सरी, बाकी एड्रेस आपको दिखी गया है। चलता हूँ मैं आगे और दिखाता हूँ कोई और नर्सरी मिलती है, या फिर जो है प्लांटर्स वगैरह या फिर कटर वगैरह देखने की तलाश में हूँ, मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलते हैं नेक्स्ट नर्सरी। यहाँ पर जो है किसानों से रिलेटेड मामला है, ये यहाँ पर पौधा है क्या ये भैया? किस किस रेट की है, क्या क्या आई है? बैंगन अपना, अच्छा कितने कितने की पड़ती है ये? चाहिए कुछ नहीं मुझे। ये कितने का है बैंगन? गोल वाला है। गोल वाला कितने का पड़ता है ये? कितने पेड़ होते हैं एक के अंदर? 10 पेड़, 1 रुपये का एक पेड़, मतलब 2 रुपये का एक पौधा मिल जाएगा। सीडलिंग बिल्कुल तैयार करी कराई मिल जाएगी आपको। नंबर है कोई अपना ये वाला? ये इनका जो है नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये हरियाणा, और कॉल कर लीजिएगा। बाकी सीड ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा सीड, टमाटर, बैगन और कद्दू, काफ़ी सारे सीड ऑप्शन हैं। बाकी कॉल कर सकते हैं, कॉल करके मैं नंबर आपने देख ही लिया है उस नंबर पे आप कॉल करके चले जा सकते हैं। और चलता हूँ मैं नर्सरी दिखाता हूँ। ये जो है पंतनगर किसान मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। फल फूल एवं सजावटी इंडोर प्लांट उपलब्ध हैं यहाँ पर जो है। किस तरीके की नंबर उन्होंने अपना नंबर नहीं लिख रखा है, और फिलहाल यहाँ से मैं भी देखूँगा अंदर चल के। ये देख लीजिएगा यहाँ पर शमी के पौधे मिल जाएंगे आपको, और सबसे मेन बात जो है ये नई चीज़ है, फर्टिलाइज़र वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा इस नर्सरी में। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ व्यू करा सकता हूँ, रेट वगैरह जो है आप कॉल करके ले लीजिएगा। मज़ा आ रहा, बहरहाल कुछ भी सही, मेन जो है हमारा गुलाब का है। गुलाब मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर ऑप्शन कारे सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। ये गुलाब जो है, गुलाब कितने का भैया? 100 रुपये का है ये, 100 रुपये में आपको हाइब्रिड रोज मिल जाएगा। कार्ड है अपना, विजिटिंग कार्ड देना। तो अभी मैं इनका नंबर भैया का दे देता हूँ, और बाकी जो है आप कॉल कर लीजिएगा, और थोड़ी सी जानकारी और लेकर दूँगा मैं। प्लांट हेल्थी है माशाल्लाह, ये कलकत्ते वाला है सारा, पुणे वाला नहीं है। चलिए मैं भैया से लेता हूँ। ये है वाटिका नर्सरी, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये रुद्रपुर के ही हैं भाई हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये लोकल के बंदे हैं, और यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। और
अगर आप यहीं के हैं आसपास के तो नर्सरी विजिट ज़रूर करें, अच्छा है माल इनके पास। गुलाब हेल्दी है, गुलाब और भी होंगे अपने पास? गुलाब बहुत है, मुझे रखा है, ये भी रखा है। नहीं और भी नर्सरी में तो और भी होंगे, जितना भी सैंपल बता रखे होंगे। हाँ नर्सरी भी तो बहुत। चलिए ठीक है, नर्सरी में बहुत सारे गुलाब हैं आप जो हमारे। तो फिलहाल यहाँ पर देखें ये बीज भंडार है, यहाँ पर अपना काम है, थोड़ा सा काम है क्योंकि कुछ काम के बीज दिख गए हमको। और यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये है इनका विजिटिंग कार्ड गोविंद बीज भंडार जो कि कचहरी बरेली के हैं। ये हमारे भाई बंद हैं, बरेली के ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा रखा है माशाल्लाह, सारा ही यहाँ से लेकर वहाँ तक। और बाकी कॉल कर लीजिएगा, बरेली के तो हैं आप, और बरेली में आकर के भैया से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। बरेली में आपको काफ़ी सारी जो है सीड्स वगैरह मिल जाएंगे ये। और ये है किसान मेला में आए सभी लोग प्लांटर्स हैं। चलिए हम प्लांटर्स की जुगाड़ करते हैं, मेरा प्लांटर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। और प्लांटर्स के साथ साथ मैं आपको कुछ बीज, धनिया का बीज मिल जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से शायद बरेली के हैं। अभी देखता हूँ पीछे से जा कर के कि क्या क्या इनके पास। ये देखें यहाँ पर इनके पास जो बीज मिल जाएगा, बीज मिलने वाला है बेसिल का मिल जाएगा कि ये क्या वर्मीक्यूलाइड है क्या, ये वर्मीक्यूलाइड है ना, ये परलाइट भी मिल जाएगी, वर्मीक्यूलाइड मिल जाएगी। किस रेट की है ये? 100 रुपये पैकेट है ये, आधा किलो का होगा, आधा किलो का है। ये देखें ये हैं गगनदीप और इनका नंबर है ऊपर। इनके पास काफ़ी सारा ऑप्शन है और कॉल करके ले लीजिएगा। और वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ मिल जाएगी, नीम, ये नीम सीड भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। अपना कहाँ के हैं भैया? दिल्ली के। ये दिल्ली का स्टॉल लगा हुआ है, दिल्ली से आए हुए हैं भैया हमारे पंतनगर के मेले में। ये कितने रुपए की कैन है? ये 110 रुपये की कैन है, 110 रुपये में कैन मिल जाएगी। सीट प्रो ट्रे भी मिल जाएगी, काफ़ी सारा ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखिए देखें यहाँ पर जो है, जो मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया ये उन्हीं के पास सारा स्टॉल है। और ये मोटर वगैरह भी मिल जाएगी आपको, पंप। ये कितने का खुरपा भैया? 70 रुपये में खुरपा मिल जाएगा, काफ़ी भारी है माशाल्लाह, बढ़िया है। और बाकी आपको यहाँ पे कटर भी मिल जाएंगे और लोकल भी मिलेंगे। और मेरे ख्याल से फाल्कन का है, नहीं है फाल्कन के कटर हैं है? तीन तरह के हैं, ना ना ये अभी सारा माल जो है देख सकते हैं अभी वो फाल्कन के इनके पास नहीं है। और मैं चलता हूँ आगे, ये सारा अपना ही लगा हुआ प्लांटर्स, ये प्लांटर्स भी इन्हीं के हैं। अभी देखते हैं चल के अंदर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कार्ड दिखाया है इनका, और कार्ड के साथ इनकी जो स्टॉल है वहाँ पर जो है सीड वगैरह थे सारे, और फर्टिलाइज़र काफ़ी ढेर सारा है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ इनके पास जो है प्लांटर्स, देखिएगा ये दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से उन्होंने स्टॉल लगाया है यहाँ पर आकर के। और प्लांटर्स के रेट भी आप कॉन्टैक्ट करिएगा, अगर ऑनलाइन दे सकते हैं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। सीड तो मैंने आपको दिखाई थे, ये सारा का सारा इनका स्टॉल लगा हुआ है। और सीड भी काफ़ी तरीके के, हर तरीके का सीड यहाँ अवेलेबल है, सीड के साथ फर्टिलाइज़र भी सारा ही इनके पास अवेलेबल है। तो फाइनली दोस्तों मैं भी, जैसे कि मुझे तलाश थी काफ़ी देर से, मैं आपको बोल रहा था कि मुझे हार्डवेयर की शॉप मिल जाए कहीं हार्डवेयर की, तो फिलहाल बहुत दूर जा कर के मुझे ये एक वीर जी की शॉप मिली है। इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ, जो लुधियाना एग्रो ट्रेडर्स करके है इनकी शॉप, और जो कि पंतनगर के मेले में लगी हुई है, ये सामने रुद्रपुर के हैं ये लोकल ही निवासी। पर यहाँ पर जो आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे गार्डनिंग टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। जैसे ये किस चीज़ का आई है भाई? ये लकड़ी काटने, ये लकड़ी काटने के लिए फाल्कन का आई भी है। ये कितने का पड़ता है ये वाला? फाल्कन का ये 450, 450 रुपये ये रेट पड़े हुए हैं, बाकी मैंने नंबर दे दिया भैया का। और ये रुद्रपुर में इनकी दुकान है, रुद्रपुर में है ना शॉप? रुद्रपुर गल्ला मंडी, ये गल्ला मंडी में रुद्रपुर में है। बाकी आप इनसे जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। और काफ़ी ब्रांडेड आइटम है इनके पास, सारे के सारे गार्डन आइटम है, गार्डनिंग टूल्स है। जैसे कि हमारे भाइयों को काफ़ी देर से तलाश थी कि मैं दिखा नहीं पा रहा था ये, और ये दिखाऊं मैं आपको, ये फाल्कन का जो है बड़े में जो है ग्रास कटर मिलेगा, जो कि गार्डन और लॉन में काम करता है। हालांकि हमारे जो ऊंची नीची जगहों पर है ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और बाकी वो भी ग्रास कटर है, मोटर में लगा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक है क्या? ये इलेक्ट्रिक है। इनकी क्या कीमत रहती है? ये वाले नॉर्मल आपको मिल जाएंगे। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ और थोड़े थोड़े, ये बड़ी अगर आपकी शाखाएँ हैं, ये पेड़ काटने के लिए बड़ी वाली भाई, ये सर
घास वगैरह इकट्ठा करने के लिए। ये घास वगैरह इकट्ठा करने के लिए, और ये वाला इसके बराबर में इसको क्या बोलते हैं? ये टहनी काटने के लिए, टहनी जो ऊंची ब्रांच है वो काटने के लिए। ये वाला ये स्नैप कैचर है, इसको क्या करते हैं? स्नैप कैचर। अच्छा, स्नैप सांप पकड़ने के लिए। हाँ जी, सांप पकड़ने। अच्छा, सांप पकड़ने के लिए ये। हाँ जी। बाकी ये वाला जो है आपको जो गार्डन में जो बड़ी घास हो जाती है ये वो चीज काटने के लिए होती है। ये खड़े होके काम। अच्छा, बड़े होकर काम करने की है, खड़े होकर काम करने की। ये वाला गार्डनिंग वाला है, ये वाला हमारा सारा। इनके पास एक चीज ये बढ़िया लगी मुझे कि इनके पास हर कुछ ब्रांडेड है जो कि फालगन का है। आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं क्या भाई? ऑनलाइन कर देते हैं जी। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल कीजिए। बाकी यहाँ पर फालकन की सारी ए टू जेड चीजें मिल जाएंगी। और ये देखे इस तरीके का ये आरी वाला ब्लेड भी आपको जो है फालकन का ही मिलेगा। अच्छा, ये फोल्डिंग वाला है, ये कितने का पड़ता है अपने पास? ये 1200 रुपए का। हाँ जी, यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये जेब में भी रख सकते हो। और ये फालकन कंपनी का है, देखता हूँ, देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो है इनके पास जो है ग्रास कटर, जिसकी मुझे तलाश है काफी दिनों से। ये कितने का पड़ता है ये वाला ग्रास कटर? 11,500 का। ये ब्रश कटर बोलते हैं इसको, 11,500 रुपए का। इसके साथ अटैचमेंट क्या क्या आती है इसमें? और भी ये ब्रश वगैरह आते हैं। ये तो 80 दांत वाला ब्लेड है, 40? 80 वाला। 80 वाला ब्लेड मिलता है इसके साथ, और क्या अटैचमेंट मिलती है इसके साथ फ्री में 11,000 रुपए में? हाँ जी, इसमें एक दो आइटम और आते हैं, ये ब्लेड वगैरह दूसरे, जिससे चेंज करके गेहूँ कटिंग कर सकते हैं। और जो ग्रास कटर आता है वो वाला भी मिल जाता है, नायलॉन वायर वाला वो भी मिल जाएगा आपको। इसकी कीमत 11,500 रुपए बताइए। इसकी गारंटी वारंटी भाई साहब क्या रहने वाली? एक साल की गारंटी वारंटी इसकी रहती है। 4 स्टॉक में है ये, 2 स्टॉक में है? 4 स्टॉक। ये 4 स्टॉक में आपको मिलने वाला है, 4 स्टॉक इंजन है इसकी। कितनी गारंटी? घास कटर है। अच्छा, और ये वाला कितने का है? ये 4 स्टॉक में सेम यही चीज है क्या दोनों? नहीं, ये इसको थोड़ा चेंज है मोड। ये कितने का है? ये 10,500 का। ये 10,500 रुपए का, ये हल्का है। इसके साथ क्या मिलता है? साथ में अटैचमेंट क्या मिलता है? इसमें कुछ नहीं अटैचमेंट। इसके साथ अटैचमेंट सिर्फ यही मिलेगी। इसके साथ क्या अटैचमेंट मिलेंगी? इसमें ये चेंज हो जाएंगे मोड चेंज करने के लिए। मोड चेंज करने के लिए क्या मिल जाएंगे वैसे? दो साथ में और मिलेंगे। चलिए, बस ये 11,000 है। ये कितने का मिलता है? ये सर 350 का मिलेगा। 350 रुपए का 11,000 मिल जाएगा। 5 लीटर में ये? हाँ जी, 5 लीटर में। 5 लीटर में। बाकी इनके पास मशीनरी काफी सारी, ये काफी अच्छी लगी मुझे बोतल, ये किस टाइप की है? ये सर आपके गार्डन के लिए, मतलब घर में मच्छर वगैरह हो जाता है, घर में फुलवाड़ी है, पेड़ पौधे छोटे छोटे, उनमें दवा देने के लिए, पानी देने के लिए बेस्ट है ये। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी होती है या फिर ऐसे ही है कुछ? ये सर इसकी गारंटी वारंटी होती नहीं है, इसके अंदर एक वाशर पड़ता है, खराब होने पर दुकान पे मिल जाता है। हाँ जी। ये कितने की बोतल? ये सर 350 का है, 3 लीटर में। 350 रुपए का 3 लीटर में। अच्छा, ये यहाँ से एयर निकल भी जाता है और डबल नोजल आती है। अच्छा, डबल नोजल आती है। हाँ जी, चलिए ठीक है। बाकी जो भैया की डिटेल है वो आपको मिली गई है, बाकी इंशाल्लाह ताला और हम अभी आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या रहता है भैया। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया बताने के लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। और अभी मैं इसके बारे में भी वापसी में बात करूँगा सरदार जी से। हाँ, सही, सबको हमारे बहुत अच्छा लगा। ओ माशाल्लाह, बुश 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 का ये देखते हैं थोड़ा सा डेमो। बुश का जो है प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, 10,700 रुपये में ये मिल जाएगा। कार वाशर नहीं है, गार्डनिंग में भी काम आता है, काफ़ी अच्छा काम का है ये वर्क का। अगर आपके जो है गार्डन में कीड़ वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेहतरीन काम करेगा ये वाला। हालांकि ये कार वाशर है और ये बुश का सारा पूरा स्टाइल लगा हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इनका कार्ड है अपना, मैं भी इनका भैया का नंबर दे देता हूँ। आप अगर बुश के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्यू भी करा दूँगा। और ये देखें, ये देखिएगा, ये इनका नंबर है, ये भारत कुछ करके। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ड्रिल मशीनें वगैरह वगैरह ये सारी मिल जाएंगी, हार्डवेयर की सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ये वाली जो है आपको बिड वाली बैटरी वाली मिल जाएंगी यहाँ पर, ये बैटरी वाली है। बाकी सारी मतलब जो है इलेक्ट्रिक है, लाइट से चलने वाली है, ये सारे जो है बैटरी वाले आपको मिलेंगे। ये नीचे जो अटैचमेंट है बैटरी की अटैचमेंट है। चलिए फिर भी मैं और दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे इनके पास टूल्स वगैरह, आप अगर इस चीज़ के भी कारीगर या फिर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो ये भी आप परचेस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर, ये डेमो दिखा रहे हैं भैया, इसका प्रेशर काफ़ी अच्छा है, वॉश मशीन का चलता हूँ मैं। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी शायद मेरे ख्याल से गार्डन टूल्स वगैरह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सरदार जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, यहाँ पर गार्डन टूल्स के नाम पर सिर्फ एक आरी है अभी, और हार्डवेयर का है ये भी सारा काम। यहाँ पर मेला काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, मज़ा आएगा आपको घूमने में। और भैया ये ब्रश कटर कितने का पड़ रहा है अपना? 17,500 का। अटैचमेंट इसके साथ क्या क्या है इसके साथ? जैसे मतलब ये पहले इलेक्ट्रिक है या फिर पेट्रोल वाली है? पेट्रोल वाली है ना। गारंटी वारंटी क्या रहती है इसकी?
कौन सी कंपनी का है ये? हर्षवर्णा का है, 6 मंथ की रहती है, 17,500। अटैचमेंट इनके साथ मिल जाएगी, कार्ड है अपना, और यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ें रखी हुई हैं, और इनका जो नंबर है यहाँ मैं दे देता हूँ, आपको कॉल कर सकते हैं भैया को, और रुद्रपुर के हैं ये भाई। चलिए ठीक है, ठीक है भैया। किसानों के मतलब की मशीन ग्रास कटर के साथ साथ यहाँ पे मिलेगी आपको, ये वाली मशीन मैं दिखा लेता हूँ आगे अंदर। मेरे ख्याल से यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट विक्टर करके है, और यहाँ पे ये पर मिल जाएगा चैनशाह, 18 बार ETC, 1500 कुछ ऐसे 6,490 रुपये का है। ग्रीन नेट भी मिल जाएगी यहाँ पर, और ये जो है वीर जी की शॉप है, काफ़ी अच्छा सामान है इनके पास भी। मेरे ख्याल से फाल्कन के हैं, यहाँ पर भी सारा प्रोडक्ट मिलने वाला है, गार्डन टूल्स वगैरह। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। स्टोन भी मिलेंगे आपको, स्टोन का जो रेट है यहाँ पर, बड़े वाले स्टोन लेंगे आप पॉलिश वाले हैं, 167 रुपये पर केजी के हिसाब से ये मिलेगा। ब्लैक भी मिल जाएंगे, वाइट। ये है यूनिवर्सल एग्रो प्रोडक्ट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ, इनके पास जो है प्लांटर्स भी हैं, ये देखिएगा यहाँ पे प्लांटर्स भी रखे हुए हैं, प्लांटर्स की कीमत भी आप जो है फ़ोन पर ले सकते हैं। और ये रहा इनका नंबर, और प्लांटर्स काफ़ी खूबसूरत हैं, यहाँ देख सकते हैं। मैं अभी आपको और दिखा देता हूँ, ये सीडलिंग ट्रे भी मिल जाएगी आपको, कटिंग ट्रे और बाकी टूल्स वगैरह काफ़ी ढेर सारे हैं यहाँ पर। ये कौन सी कंपनी का टूल्स है मैम? अच्छा, कितने का पड़ता है ये? ये सारा अपना एक ही है ना ये वाला? हाँ, ये यूनिवर्सल वालों का है, ये यहाँ से आप कॉल कर लीजिएगा, और यहाँ पर प्लांटर्स और देख सकते हैं टूल्स भी आपको काफ़ी ढेर सारे मिलेंगे। और मशीन दिखाऊँ मैं यहाँ पर, फाल्कन की ग्रास कटर भी मिलने वाली है यहाँ पर, और टूल्स में आ गए हैं, मज़ा आ रहा है इधर भी। और वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी जो है फाल्कन के प्रोडक्ट लगा रखे हैं। अभी हम भैया से जानकारी लेते हैं कि फाल्कन का ग्रास कटर कितने का मिलता है। ये देख लीजिए, ये सारा फाल्कन का है। हाँ जी सर जी, तो है स्नैक कैचर्स वाली जो है इनके पास भी है, ये फाल्कन की है, और ये जो है गुड़ाई उड़ाई करने के लिए खेत में उसके लिए है, और ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, ये बेहतरीन चीज़। ये अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, प्रूनिंग करने के लिए बैटरी वाली है, और इसलिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और बड़ा अच्छा अटैचमेंट मुझे ये वाला लगा फाल्कन का, जो कि छोटा सा है, प्यारा सा है। अगर आपकी मोटी शाखाएं हैं, इतनी मोटी लगभग, तो आप इसकी जो है बैटरी वाले से काट सकते हैं। और चैन सा भी फाल्कन का है, फाल्कन का 4 स्ट्रोक में जो है मुझे ये ग्रास कटर दिखा है, बोलते हैं इसको ब्रश कटर, और ये भी ब्रश कटर है, ये शायद मेरे ख्याल से 2 स्ट्रोक में है। तो इनके पास जो है देख सकते हैं, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको फाल्कन का, ये 750 रुपये का मिल जाएगा आपको। इनकी हमारे पे लिख रखी है 800 रुपये में, ये वाली मिल जाएगी फाल्कन की ही। और ये अगर आप ब्लेड लेना चाहते हैं फाल्कन का, डबल ब्लेड में है मेरे ख्याल से, इसकी किसी तरीके से बनी हुई है, बढ़िया बनी हुई है, पर इसकी जो है 1100 रुपये प्राइस है, ये फाल्कन का मिल जाएगा। और बहरहाल मुझे नाम तो नहीं पता इसकी, क्या बोलते हैं, मिट्टी उठाने के लिए लेते हैं, ये 100 रुपये का मिल जाएगा। ये भी फाल्कन का है, ओरिजिनल माल है, सारा फाल्कन का है, भारी है, ये भी भारी है माशाल्लाह, 110 रुपये में आपको मिल जाएगा। फाल्कन के काफ़ी सारे प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पर आप काटने चाहते हैं वो काटने वाली लकड़ी, अगर ब्रांच मोटी वाली चाहिए आपको तो वो भी मिल जाएगी काटने के लिए। ये देखें यहाँ पर भी काफ़ी सारे खुरपी, 200 रुपये में है MRP, 130 रुपये में, 130 रुपये में काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, वो देखें वीर जी देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट। और बाकी ये देखें, ये फाल्कन का चेक कर रहे हैं, ये सारे जो है लोग जाने की तैयारी में हैं, अब मेला जो है समाप्ति की कगार पर है। वाह, ये सब मज़ा आ रहा है मेले में घूमने में, क्यों कुछ बताओ ना यार, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांटर्स हैं, ये सारे लुधियाना वालों के ही हैं, यूनिवर्सल एग्रो वालों पे, जो मैंने नंबर दिखाया आपको उन पर कॉल कर लीजिएगा। बाकी और देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी हार्डवेयर, बड़ी बड़ी दुकानें, आ जाओ उधर को, आए उधर से तो अभी आए थे, उस साइड में लगी हुई है, ये पीछे की दुकानें हैं शायद आपने देखी थी। यहाँ पर भी UK टैग का कुछ है, ये सारे लोग जाने की तैयारी में, दुकानें समेट रहे हैं सब, पैसे ये साहब क्यों, आज मेले का एंड है बिल्कुल। और अभी देखते हैं ग्रास कटर, वीड कटर, फिलहाल लुधियाना एग्रो वालों पर सभी कॉन्टैक्ट करेंगे हम, दोबारा से जाकर के देखेंगे कि किस तरीके फाल्कन का जो है मिलने वाला है, कितने रुपए का मिलने वाला है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेला अच्छा लगा होगा,
काफ़ी अच्छा मेला लगता है। आप पहले से आइएगा क्योंकि अब तो जाने की तैयारी में लोग भाग हैं, और अभी आप ले लें। आप इस साल तो खैर पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ आ पाएँ, पर आप इंशाल्लाह ताला अगली बार जब भी आएंगे अगली साल को अक्टूबर की 13, 14, 15 इस 3 तारीख से लगता है। क्यों सही साहब इतनी टाइम में लगता है ना? 15, 16, 17 हुआ है। हाँ हाँ 16, 17, 18 3-4 दिन लगता है, मगर जो अभी बढ़ गया है तो उस वजह से जो है काफ़ी लेट हो गया बारिश की वजह से। मैं दिखा दूँ फिर साहब, यार चलना यार अभी जरा दे देख लें। ये बड़ी काम की चीज़ दिख रही है तो किसानों से रिलेटेड, मगर मुझे अच्छी लग रही है। क्या चीज़ है ये देखें, ये घास, ये शायद कंपेन का काम करती है। क्या वैसे ये साहब, ये मिनी कंपेन है क्या बेटा? ये मिनी कंपेन है, इसे देखें यहाँ पर रखा हुआ है। ट्रैक्टर वगैरह पर इसका सारा सीन है, और बैटरी है सेल्फ के लिए, बैठने का इंतजाम भी है, सारा कुछ दे रखा है यहाँ पर। ये वाला जो है वो है, ये पावर वीडर बोलते हैं क्या उसको? पावर वीडर हैं ये छोटे बड़े, ये इनका कार्ड है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको कॉल कर लीजिएगा। वीडियो बनाऊं तो, मगर वीडियो बनाने के लिए बस यही है कि टाइम खूब ढेर सारा होना चाहिए, वीडियो खूब ढेर सारी लंबी हो जाएगी, पर ये नहीं। मैं सिर्फ आपको व्यू करा दिया, कार्ड दिखा दिया मैंने आपको सारे के सारे के। आपको जो भी इंटरेस्टेड अगर मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये सारे, या फिर मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर रिटेलर हैं, आप जो भी अच्छा लगे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करके जो है इनसे जो भी माल खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जानकारी लेना चाहें जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय।